हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीहू विशु ऑफिशियल। तो आज हम आलू की बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी बनाएंगे, जिसको आप रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने दो टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये छोटी साइज की जो आलू होती है उसको लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बड़े वाले आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। यहाँ कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाए इन आलूओं को इसमें हम फ्राई करेंगे। आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए और बीच में इसको ढकते भी रहिए ताकि ये पक जाए। बस यहाँ ढक देंगे हम आलूओं को 2 मिनट के लिए। जब तक आलू यहाँ पक रही है हम मसालों को रेडी करते हैं। इसके लिए ये मैंने जो हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च, अदरक और ये लहसुन, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और ये प्याज, इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, फिर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी है। अब ये है पीली वाली सरसों, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। आप इसको ज़रूर लीजिएगा क्योंकि सरसों से टेस्ट एकदम बदल जाता है। इसको हम 10 मिनट के लिए भिगो लिए थे, फिर इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, सरसों में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा पीसते समय, ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए। फिर प्याज वाले पेस्ट में ही इसको भी ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैसे हम मिक्स कर लिए हैं, वो कटोरी छोटी पड़ रही थी तो मैंने कटोरी चेंज कर ली। बस इसको अब हम रख देंगे मिक्सर जार में। ये हम 2 टमाटर जो लिए थे इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ आलू देखिए लगभग हमारे गोल्डन ब्राउन हो गई है और पक भी गई है। इसको एक बार फिर हम चला लेंगे और फिर अभी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। यहाँ हमारी आलू देखिए एकदम पक गई है अच्छे से, और खूब अच्छे से महक भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है। अब इसको हम कढ़ाई से छान लेंगे। इसको हम छान लेंगे अच्छे से, और इसमें अभी तेल ज़्यादा है तो और तेल हम निकाल कर रख देंगे। ये है तड़के के लिए हींग, मेथी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब तेल में इसको हम डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक भून लेंगे, जब तक इलायची मेथी चटकने ना लगे। यहाँ मसाले हमारे खड़े मसाले पक गए हैं। अब इसमें हम प्याज और सरसों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से चलाएँगे। ये देखिए, इसको आप चलाते रहिए और थोड़ा सा इसको 2-2 मिनट के लिए ढक ढक के पकाते रहिए। इसी टाइम इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन यह सब्ज़ी एकदम लाजवाब बनती है। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बस अब फिर इसको हम कुछ देर के लिए ढकेंगे। बस अब हम ढक देंगे और ढक के तब तक पकाएंगे जब तक मसालों से तेल रिलीज़ ना हो जाए, और बीच में आप चलाते रहिएगा। यहाँ देखिए मसाला हमारा लगभग एकदम पक गया है, प्याज से तेल रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। इसी टाइम ये जो हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था इसको भी ऐड करेंगे, और तुरंत इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यह गया गर्म मसाला, इन सबको मिला के अच्छे से चला लेंगे और इसको भी 1-1 मिनट के लिए ढक ढक के पकाते रहेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। बस इसी टाइम अगर आपके पास सोया हो तो सोए को भी इसी में डाल के अच्छे से उसको भी मिक्स कर लेंगे। इसमें अगर आपका सोया ना हो तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब जो हमने आलू फ्राई किए हैं आलू को भी इसमें ऐड करेंगे और उनको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये सूखी सब्जी है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप गर्म पानी इसी टाइम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।